वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बड़ा स्पेशल है बिकॉज आज मैं आपको अपने मेरी पर्सनल फेवरेट डेंटी ज्वेलरीज दिखाने वाली हूँ। मैं कहाँ से मंगाती हूँ और मैं कौन कौन सा मुझे पहनना पसंद है, और इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिकॉज ट्रस्ट मी ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। बिकॉज मैं भी कहीं से मंगाकर फंस चुकी हूँ और अब मैं चाहती हूँ कि आप वो गलती ना करो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। से पहला जो मैंने अभी वेयर किया हुआ है, लुक एट दिस। ये इसके लिए मुझे काफी सारे कमेंट्स तो नहीं आए थे, लेकिन हाँ कुछ लोगों ने मुझे इंस्टा पे पूछा था कि ये वाला इयररिंग कहाँ से है। ये वाला मैंने H&M से लिया था, और ये वाला इयररिंग जो है ना, ट्रस्ट मी एकदम ऐसा परफेक्ट इयररिंग है। शेप वाइज आप कह लो, डिजाइन वाइज कह लो, और एक चीज और, ज्वेलरी खरीदते वक्त ना एक चीज आप ध्यान रखना, ऐसे कहीं से भी लोकल से मत ले लेना। बिकॉज क्या होता है ना, आप ले लोगे मीशो से और अमेजोन से कुछ सेट्स मंगवा लोगे, और वो आप पहनो या मत पहनो कुछ ही वक्त में काला हो जाएगा। मैंने दो बार सेट्स मंगवा कर देखे हुए, मैंने उसको ना एक दो पहना था और बाकी तो पहना ही नहीं था, और अपने आप रखे रखे हुए काला पड़ गया वो। तो प्लीज आप ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा जरूर लगाना, बट ऐसे लोकल वाले ज्वेलरीज पे पैसा फालतू का मत लगाना। हर पॉइंट पर आती हूँ, इस वाले इयररिंग की बात करती हूँ मैं। ये है H&M से, इसका प्राइस समथिंग 500 या 600 रुपीज है, बट मैंने इसको ऑलमोस्ट 6 months हो गए मुझे खरीदे हुए। ये मैंने H&M के स्टोर से ही खरीदा था, बट ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, रहेगा ही, दोनों H&M ही है। तो अभी जो है ना H&M पे सेल चल रहा है, तो मेक श्योर मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये वाला इयररिंग बिल्कुल ट्राई करना, बहुत खूबसूरत है। उसके बाद के ज्वेलरी पीसेस में आता है वॉच। वॉच एक ऐसी चीज है ना, लाइक आप ट्रेडिशनल पहनो या फिर आप वेस्टर्न पहनो, कुछ भी पहनो, वॉच लग जाते हैं ना जब, तो चार चांद बढ़ जाता है। मेरे पास जो मेरा पर्सनल फेवरेट वॉच है ना, जो कि मैं हमेशा यूज करते हुए, आपने मुझे ज्यादातर वीडियोस में देखा होगा, वो रहा ये वाला वॉच। ये वॉच जो है ना, ये मैंने कैसियो का ये वॉच है, एंड मैं, पता है, मैं ना वो वाला वॉच लेने गई थी जो अभी ज्यादा ट्रेंड में चला हुआ है, मैं आपको साइड में पिक दे दूंगी। जो मैं लेने गई थी वो तो मेरे दिमाग से पूरी तरीके से निकल गया, और ये वाला जो वॉच है ना, वो वहां पे ऐसे काउंटर पे लगा हुआ था, और कहते ना एक नजर में प्यार हो जाना, एक नजर में किसी को पसंद कर लेना, लड़का पसंद आए या ना आए, लेकिन सामान मुझे जरूर पसंद आ जाता है। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, ये वाला वॉच ना ऐसे एक नजर में मुझे पसंद आ गया, और इसका प्राइस बहुत ज्यादा था, बट भैया ने बोला कि अभी ये 45% ऑफ पे चल रहा है, तो मेरा तो ऐसे बल्ले बल्ले हो गया। और इसका भी साथ में मैंने, नहीं इसके साथ नहीं लिया था, ये मैंने आई थिंक ये वाला मैंने इसके साथ नहीं लिया था, ये आई थिंक मैंने को लिए हुए कितना वक्त हो गया, 4 महीने शायद, और अभी भी इसका शाइन, इसके कलर में कुछ भी फर्क नहीं आया है। एक दो बार तो पानी भी इस पे लग गया है, बट कोई भी ऐसे फर्क नहीं आया है। मैं आपको कुछ चुनिंदा पीसेस दिखाती हूँ जो कि मैंने लिया है रिसेंट में ही, एंड उसका डिजाइन, उसकी खूबसूरती आप सिर्फ देखना। सबसे पहला जो नेक पीस है वो अगेन H&M का है। पहले आप इसका लुक देखो। ये बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सिंपल सा एक नेक पीस है, जो कि मैंने रिसेंट में ही मंगाया है। इसका जो प्राइस है 399 रुपीज है, मतलब 400 रुपए है, जिसमें से 1 रुपए हटा दो आप। बट इसका लुक देखो यार, इतना प्यारा लगता है ना ये पहनने के बाद। मैंने एक बार या दो बार इसको पहना है, बाकी फिर मैंने इसको ऐसे ही रख दिया बिकॉज मुझे वीडियो बनाना था। इसका शाइन अभी तक खत्म नहीं है हुआ है, और H&M के पीसेस के यही एक फायदे होते हैं कि आपको थोड़ा सा पैसा लगता जरूर है, बट वो टार्निश इतनी आसानी से नहीं होता। क्योंकि मैंने एक और पीस लिया था इस इयररिंग के साथ, ऑलमोस्ट 6 to 7 months हो चुके हैं, और मैंने उसको काफी बार यूज किया है, बट इतना सा भी कुछ भी चेंजेस नहीं आया है। आई हैव अगेन एक इयररिंग, बट इस बार कोई ऐसा एक इयररिंग नहीं है, ये पूरा सेट है। जो अगर आप इस टाइप की इयररिंग्स पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और आप पूरा सेट लेना चाहते हो, तो अगेन मैंने H&M से ही मंगवाया है। इस टाइप के पैकेजिंग में मुझे मिला था ये। टोटल जो है ना, कितने का पेयर है, 25 का पेयर है भाई, मेरे को तो पता भी नहीं, मुझे लगा 13-14 का है। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। ये जो है ना, इसका जो प्राइस है वो 1300 रुपए मुझे पड़े, और बिल्कुल वर्थ इट है। लुक एट दिस, पहले तो आप देख लो इसको देख लो आप, कितने प्यारे प्यारे इसमें इयररिंग है। एक इसमें से गायब आपको मिलेगा बिकॉज मैंने एक यूज कर लिया है। खैर, इसमें अगर पीसेस की बात की जाए तो नीचे के लेयर आप देखो, उसमें सारे ट्रेंडी पीसेस हैं, बिकॉज आप जिसको भी देखोगे ना, इसी टाइप के इयररिंग्स अभी पहने हुए आपको मिलेंगे, एकदम ट्रेंडी पीस है। बाकी सारे आप कोई भी टॉप पर पहन लो, बिकॉज सारे यूनिक है। मुझे ये वाला बहुत पसंद आया था। नेक्स्ट आई हैव वन मोर इयररिंग, जो कि मुझे, मेरे को ज्वेलरी में कुछ दो या मत दो, इयररिंग्स दे दो, मेरे को चलता है।
तो वो इयररिंग है ये वाला, अगेन ये भी H&M से है, बिकॉज H&M की इयररिंग खराब नहीं होते ना, तो मैं हमेशा उसी को प्रीफर करती हूँ। तो वो एक ये वाला इयररिंग है, मैंने जो फोटो देखा था ना तो मुझे लगा था कि थोड़ा छोटा आएगा, बट ये थोड़ा सा बड़ा आया है, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ये भी बहुत बहुत क्यूट लगता है और बहुत लाइट वेट है। कुछ इयररिंग्स होते हैं ना जो पहनोगे तो लगता है कि आपने कुछ हेवी पहना है, बट ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है। इसका भी प्राइस समथिंग मैंने 500 और 600 रुपीज पे किया है, बट ट्रस्ट मी एवरी पेनी वर्थ इट है। इसको मैंने ऑलमोस्ट 4 से 5 बार यूज कर लिया है और बिल्कुल भी इसका शाइन इधर उधर नहीं गया है, तो आप इस पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप कुछ इस टाइप के हुप लाइक इयररिंग ढूंढ रहे हो तो। ओके, अब बात करते हैं रिंग्स के, बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ज्वेलरीज में। तो मैंने ना सच रिंग्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है, बट अगेन मैंने H&M पे ही इन्वेस्ट किया है। आपने मुझे इस टाइप के रिंग्स पहने हुए देखे होंगे, और मैंने ये वाला फोटो देख लो पहले, मैंने ये रिंग्स के सेट मंगवाए थे जो कि मुझे 800 और 900 समथिंग में पड़ा था। मैं लिंक दे दूंगी, आप चेक कर लेना। इसमें टोटल मुझे 9 पीस का पूरा सेट हुआ था, एंड एक से बढ़कर एक मैं आपको दिखाती हूँ। पहला तो ये वाला आप देखो, एक छोटा सा इसमें स्टोन है और ये 2 है। ये रहे 4 मेरे हाथों में इयररिंग्स, और मैंने 4 पहने हुए हैं। टोटल 9 पीस का सेट था, एक पता नहीं किधर हो गया है। हम एक से एक एक रिंग पे इन्वेस्ट करोगे ना तो थोड़ा ज्यादा पैसा लग जाएगा, तो इसलिए पूरा एक कॉम्बो मंगवा लोगे तो उतना मतलब ज्यादा नहीं जाएगा। 800 से 900 में आपको टोटल 9 पीस मिल रहा है, लाइक पर रिंग आपको मिलेगा 100 रुपए समथिंग। तो ये वाले रिंग बिल्कुल वर्थ इट है, बिल्कुल ट्राई करना अगर आप रिंग्स वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। तो वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ, और भी ज्वेलरीज मेरे पास है, बट अगर आप पार्ट 2 चाहते हो तो मेरे को कमेंट में बताना, बिकॉज एक ही वीडियो में सब कवर मैं नहीं कर सकती। बाकी आपको पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी से कमेंट करो, और हाँ अगर कुछ भी पसंद आया होगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगी सारे प्रोडक्ट्स का, जाकर वहां से आप चेक कर लेना, बिकॉज डील्स अभी अच्छे अच्छे हैं, मतलब अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। खैर, बाय, टेक केयर, लव यू, शी फैन, बाय।